सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी दी एमरजेंसी बुलेटिन दे विच सब दा स्वागत है। मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच अज एक वड्डे हादसे दे नाल जुड़ी खबर तुहानू दसांगे, जिस विच भारत दीआं सारीआं फौजां दा मुखी मारिया गया है ते उसदी पत्नी भी इस हादसे दा शिकार हो गई है। किसानां ने संभावना जताई है कि कल नूं ओह कोई वड्डी ते चंगी खबर सुना सकदे ने। किसान मोर्चे ने जिहड़े ओह खत्म करन बारे भी कोई ऐलान कीता जा सकदा है। खबरां विस्थार दे नाल ते सब तो पहला थानू हैलीकॉप्टर क्रैश हादसे दे नाल जुड़ी हुई खबर ही थानू दसते हाँ। ये जिहड़ा हादसा है वह तमिलनाडु दे विच वापरिया है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत उन्हां दी पत्नी मधुलका समेत 13 जणियां दी तमिलनाडु दे हैलीकॉप्टर हादसे विच मौत हो गई। भारतीय फौज ने ट्वीट करके इसकी पुष्टि की है। भारतीय हवाई फौज ने घटना की जांच के हुक्म भी दे दिए ने। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कन्नूर दे विच भारतीय हवाई फौज का MI-17V5 हैलीकॉप्टर हादसा ग्रस्त हो गया। हैलीकॉप्टर विच अमले दे मैंबर सने 14 जने सवार सन। मौसम की खराबी नूं फिलहाल हादसे का कारण दस्या जा रहा है, पर घटना की जांच के हुक्म जिहड़े दिते गए ने उस तों बाद ही पता लगेगा कि असल कारण की बनिया। बड़े इतफाक की गल है कि नागालैंड दे विच दो दिन पहला ही 14 जणियां नूं भारतीय सुरक्षा बलों ने घात ला के मार दिता सी। बहुत ही बुरे तरीके दे नाल बेरहमी दे नाल उन्हां नूं मारिया गया सी। उस तो दो दिन बाद ही हैलीकॉप्टर हादसे दे विच फौजां दा मुखी है जिहड़ा ओह मारिया जांदा है। खैर हैलीकॉप्टर दे विच ब्रिगेडियर LS लिद्दड़, लैफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह नायक, गुरसेवक सिंह नायक, जतेंद्र सिंह नायक, विवेक कुमार नायक, BSAI ते हौलदार सतपाल सवार सन। घटना वाली थां तो लाशां बरामद कर लिया गई। हैलीकॉप्टर क्रैश दे जिहड़ियां तस्वीरां ने उन्हां नूं देख के पहला ही अंदाजा लाया जा रहा सी कि कोई ना कोई वड्डा हादसा वापरिया, शायद कोई भी जिउंदा ना बचिया होवे। ते सारियां लाशां नूं तमिलनाडु दे मिलटरी हस्पताल वेलिंगटन दे विच लिजाया गया है। हादसे तो तुरंत बाद ही राहत बचाव कार्ज भी शुरू किए गए। CDS बिपिन रावत एक लैक्चर सीरीज दे विच ऊटी वेलिंगटन गए सी। उन्हां दे नाल उन्हां दी पत्नी ते ब्रिगेडियर रैंक दा अधिकारी भी सी। CDS सलूर तो कन्नूर आ रहे सी। उन्हां ने इत्थों उड़ान भर के दिल्ली जाना सी। इस दौरानली जानकारी तुहानू इह वी दे दिंदे आ कि जदों VVIPs हैलीकॉप्टर दे विच हुंदे ने तां हैलीकॉप्टर नूं उड़ाउण दे नियम काफ़ी वक्खरे हुंदे ने, ते जिहड़ी कोर्ट आफ इनकुआरी दा हुक्म दित्ता गया है उस दे विच हादसे दे कारणां दा शायद पता लग सकेगा। बिपिन रावत बारे दस दईए तां उन्हां दा जन्म उत्तराखंड विच होया सी। सेंट एडवर्ड्स स्कूल शिमला दे विच पढ़ाई कीती सी। सिक्ख्या पूरी करन तो बाद उन्होंने फौज की नौकरी करनी शुरू कर दी सी। 16 दिसंबर 1978 नूं 11 गोरखा राइफल्स विच उच्च अहुदे ते तैनात हुए। उम्र 63 साल दी सी इस वक्त। January 2019 नूं उन्हां नूं भारत दा चीफ डिफेंस स्टाफ जिहड़ा ओह लाया गया सी। भारत दे विच पहली वारी इह पोस्ट क्रिएट हुई सी ते पहली पोस्ट दे उत्ते बिपिन रावत ने जिहड़े उन्हां नूं तैनात कीता गया सी। हैलीकॉप्टर हादसे तो बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारत के सारे वड्डे लीडर इस ते सोग दा प्रगटावा दुख दा प्रगटावा कर रहे ने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बहुत ही दिल नूं हलूणे जाण वाला हादसा हैगा आ। जनरल बिपिन रावत ने अपनियां बहुत ही शानदार सेवावां जिहड़ियां ओह फौज नूं दित्तियां ने ते भारत उन्हां दीआं सेवावां नूं कदे भी भुला नहीं सकेगा। इस हादसे की खबर सामने आने तो बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद CDS बिपिन रावत के घर पहुंच के उन्हां दे परिवार नाल मुलाकात की। हालांकि उन्हां दी पत्नी तां उन्हां दे नाल ही सी, पर जिहड़े बाकी परिवार दे मैंबर सन उन्हां नाल मुलाकात की। भारत दे गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस हादसे ते डूंघे दुख दा प्रगटावा किया है। कन्नूर दे विच वापरे इस हादसे ते दुख प्रगट करदिआं पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी विछड़ियां रूहां दी आत्मा नूं शांति देण दे लई अरदास की है। पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी हादसे ते सोग प्रगटाया। इस दर्दनाक हादसे दे विच इक राहत वाली खबर यह मिल रही है कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह दी जान है जिहड़ी ओह बच गई है। इस साल उन्हां नूं वीरता पुरस्कार मिलिया सी। बुलेटिन दे विच अगली अहम खबर किसानां दे मोर्चे दे नाल जुड़ी हुई है। संयुक्त किसान मोर्चे दी सिंगू बॉर्डर ते दूसरे दिन लगातार बैठक हुई ते बैठक तीसरे दिन भी जारी रहेगी। किसानां नूं सरकार ने सोध्या होया जिहड़ी तजवीज़ है ओह भेजी अते किसानां ने सरकार दी तजवीज़ दे उत्ते कितना कितें सहमति प्रगटाई है। इस ते कई घंटे विचार कीती गई। जिहड़ी 5 मैंबरी कमेटी बनाई गई है, पहलां उन्हां दी दिल्ली दे विच बैठक हुई ते उस तों बाद संयुक्त किसान मोर्चे दे लीडरां दी बैठक हुई। उस तो बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करदिआं किसान लीडरां ने ऐलान किया है कि सरकार दे नवे प्रस्ताव ते अंतिम फैसला जिहड़ा ओह सिंगू बॉर्डर ते मीटिंग दौरान लिया जाएगा। 9 तरीक नूं इह फैसला हो सकता है।
चुड़ूनी ने कहा कि असी यह सोचांगे विचार करांगे कि की सानू किसानों की नवी तजवीज़ तो बाद अपना अंदोलन खत्म करना चाहिदा है जां नहीं। सरकार ने जिहड़ा इस तो पहला प्रस्ताव भेजा सी उस दे विच बड़ी चलाकी सी कि असी सारे देश के किसानों ते दर्ज केस रद्द कर दिंदे आ, पर पहला मोर्चे खत्म कर दिओ ते सरकार दी इह पेशकश किसानों ने तुरंत ठुकरा के वापस तजवीज़ है जिहड़ी उह भेज दित्ती सी। हुण खबरां ने जिहड़ियां इह मिल रहियां ने जां संयुक्त किसान मोर्चे ने जिहड़ा प्रैस बयान जारी कीता है उसके मुताबिक सरकार की तजवीज़ से लगभग सहमति बन गई है और हुण जिहड़ी वीरवार की बैठक होनी है उस दे विच तकरीबन ये मुकम्मल होएगा कि मोर्चे ने जिहड़े उह चुके जाणगे जां नहीं जाणगे, मुलतवी किए जाणगे जां की कीता जाऊगा। ये जिहड़ियां जिहड़े किसान लीडर ने जो कुछ भी कहा हैगा वह असीं तुहानूं सुणाउंदे आ। सरकार दो कदम और आगे बढ़ी है और आज जो ड्राफ्ट आया है वो हमारे बीच की जो सहमति है वो ये है कि ड्राफ्ट तो अभी हम ओपन नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरफ से उस पर सहमति बन गई है और सरकार की तरफ से जो ड्राफ्ट आया था उसको लेटर में बदलना, सरकार का ऑथोराइज चिट्ठी आनी वो अभी बाकी है। हमने एसकेएम की तरफ से सभी ने, हरियाणा ने, पंजाब ने या जो भी साथी बीच में थे सभी ने मिलके उस पर सहमति जता दी है कि जहां तक सरकार पहुंची है वहां तक हमारी सहमति है। एक बार इस आंदोलन को स्थगित जो है वो मांगों पे सहमति है और जैसा वो लिख के आएगा उसके बाद कल की जो है वो फिर मीटिंग रखी गई है, अभी स्थगित करने का निर्णय नहीं है, वो कल की मीटिंग में लिया जाएगा। कल तक वो ड्राफ्ट जो है, कल 12 बजे मीटिंग है, जैसे ड्राफ्ट सरकार पे आएगा, सरकार का आएगा, वैसे हमारी दोबारा से फिर मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद फिर हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल तक का ये है कि जो ड्राफ्ट सरकार ने भेजा है उस पे हम सहमति जता के वापिस सरकार को भेज रहे हैं कि सरकार अथॉराइज लेटर हमारे पास भेजे। किसान लीडर बलबीर सिंह राजीवाल दे नाल साडी फोन ते गलबात हुई तां उन्होंने कहा कि मोर्चा जिहड़ा सस्पेंड किया जाऊगा, मोर्चा खत्म नहीं किया जाऊगा, मोर्चा मुलतवी किया जाऊगा जे किया गया। उन्होंने कहा कि सानू सरकार तो अधिकारित तौर पर कोई चिट्ठी नहीं मिली है, सिर्फ एक ड्राफ्ट मिले ते ड्राफ्ट है जिहड़ा उस सरकार दा असली दस्तावेज ओरिजिनल दस्तावेज है जिहड़ा वो नहीं हुंदा। फोन ते गलबात करदिआं उन्होंने दस्सिया कि असी सस्पेंड करांगे क्योंकि प्रैक्टिकली लागू एकदम तो हो नहीं जाएगा, जे सरकार ने साडियां मंगां मान लईआं तां असी मोर्चा सस्पेंड करांगे ते असी उन्हां नूं प्रैक्टिकल हुंदा जदों देखांगे उस तो बाद असी मोर्चे खत्म करन बारे सोच सकदे हां। यानी कि कुल मिला के खबर यह है कि मोर्चे हाले जारी रहेंगे, बाकी वीरवार की जिहड़ी अहम मीटिंग 12 बजे होनी है सिंघू बॉर्डर ते उस तो बाद लगातार अपडेट्स ने जिहड़ियां उसी दिंदे रहेंगे। 8 दिसंबर नूं सिख कौम दे नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब का शहीदी दिहाड़ा पूरी दुनिया दे विच मनाया गया ते गुरु साहिब दे 400 साल शहीदी दिहाड़े नूं समर्पित दिल्ली के इतिहासिक गुरद्वारा चांदनी चौंक तो शुरू हुई सी समारग यात्रा आनंदपुर साहिब विखे पहुंची। हरियाणा के वख-वख शहरां तो हुंदी हुई यह यात्रा मंगलवार रात नूं जीरकपुर पहुंची, संगतां ने यात्रा दा थां थां भरवां स्वागत कीता। सीस मार्ग यात्रा दे स्वागत विच संगतां ने अखां विछा रखियां सी। आनंदपुर साहिब विखे गुरद्वारा सीसगंज साहिब विखे ही यह यात्रा मुकम्मल हुई। इत्थे आउण ते वी आनंदपुर साहिब दीआं संगतां ने इस सीस मार्ग यात्रा दा भरवां स्वागत कीता। यात्रा दा रूट श्री गुरु तेग बहादुर साहिब दे उस रस्ते तो बनाया गया जिथे भाई जैता जी ने गुरु तेग बहादुर साहिब दा सीस लैके आउण वेले ठहरा किया सी। सीस मार्ग यात्रा की अगवाई पांच प्यारियां ने की। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की रहनुमाई दे हेठ यह यात्रा आनंदपुर साहिब पहुंची ते गुरु साहिब दे शहीदी दिहाड़े मौके लासानी शहादत नूं नतमस्तक हुंदिया पंजाब दे लोक निर्माण मंत्री विजेंद्र सिंगला ने संगरूर विखे शहीद किसान समारक यादगारी शहीदां दा उद्घाटन किया। इस समारक दे विच किसान अंदोलन दौरान शहीद होने वाले संगरूर जिले के किसानां ते मजदूरां दे नाम लिखे गए। सिंगला ने गुरु जी की महान देन नूं याद करदिआं कहा कि हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब ने एक धर्म की राखी लिए अपनी कुरबानी दिती ते उन्हां वल्लों दिखाए हक ते सच दे मार्ग ते चलदिआं साढ़े किसान ते मजदूर भरावां ने केंद्र की मोदी सरकार दे नाल आडा लाया जाण दीआं कुरबानियां देण विच वी पिछां नहीं हटे अते ए जेरा दिखा के उन्होंने इतिहास रच दिता।
लोग सभा दे विच वी श्री गुरु तेग बहादुर साहिब दी लासानी कुर्बानी नूं सिजदा कीता गया। इस मौके कांग्रेस दे सांसद मैंबर रवनीत सिंह बिट्टू ने गुरु तेग बहादुर साहिब दे नां ते दिल्ली विच राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी बनाउण दी मांग कीती। श्रोमणी अकाली दल दी लीडर हरसिमरत कौर बादल ने हिंदू धर्म दी रक्षा लई गुरु तेग बहादुर साहिब वल्लों कीती कुर्बानी नूं याद कीता। उन्हां कहा कि दुनिया विच पहली वारी किसे रैबर ने दूसरे धर्म दी रक्षा लई शहादत दित्ती। साबका केंद्रीय मंत्री ने स्पीकर नूं अपील कीती कि गुरु तेग बहादुर साहिब दी शहादत नूं समर्पित तो 2 मिनट का मौन रखा जाए। उस तो बाद लोक सभा दे विच उन्हां दी इस मांग नूं मन्निया गया सत्कार दे नाल। कहता हूं भी उससे बड़ी कुर्बानी क्या होगी, आप जाइए दिल्ली और कुर्बानी दीजिए। सर आखिरी आखिरी सर सर आखिरी मिनट सर, उनके साथ जो थे सब, जब उन्होंने आके चांदनी चौक पे कुर्बानी दी, उनके साथ भाई मतीदास, भाई सतीदास जिनको आर्यों से चीरा गया, सर सर एक मिनट, उनके साथ भाई दयाला जी जिनको सर उबले हुए देगों में डाला गया। सर हमारी संसद के बगल में ही गुरुद्वारा रकाबगंज है, जहां पर गुरु तेग बहादुर जी का आज से 400 साल पहले यहां पर संस्कार हुआ था। कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने साहब आपने टाइम दिया सर, क्योंकि 400 साल उनके जन्म शताब्दी भी चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, और सर यहाँ पे क्योंकि ह्यूमन राइट्स के ऊपर अगली पीढ़ियां जान सके, उनके नाम पे सर एक नेशनल लेवल यूनिवर्सिटी दिल्ली में बने और उनका अगली पीढ़ियों तक ना रहे। थैंक यू सर। एडवोकेट श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने श्री गुरु तेग बहादुर साहब के शहीदी दिहाड़े मौके गुरु साहब की लासानी शहादत नूं प्रणाम किया सजदा किया। इस मौके जथेदार ने सिख कौम के नाम संदेश जारी किया कि अज भी भारत विच कुछ अजिहे लोग हैं जो धर्म परिवर्तन करी जा रहे हैं, खास तौर पर पंजाब के सरहदी सूबे सिखा हिंदू धर्म के लोगों नूं धर्म परिवर्तन वल लाया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है। फर्क सिर्फ इन्ना है कि मुगल दौर दे विच डर जबरदस्ती नाल धर्म परिवर्तन हो रहा सी, ते अज बहुत ही चुस्ती फुरती दे नाल धर्म बदली की जा रही है। जथेदार ने धर्म परिवर्तन पिछे लगियां ताकतां दे खिलाफ सख्त कार्रवाई करन दी मांग भी की है। पर सवाल तो यह उठता है कि की जथेदार साहिब दे चिंता प्रगटाउण दे नाल धर्म बदली दा जिहड़ा रुझान है वह खत्म हो जाएगा, कि इस दे लई जथेदार साहिब नूं जमीनी पद्धर ते कुछ करन दी लोड़ है। ਇਹ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹਮੇਸ਼ਾ 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 ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ कि किसी ना किसी तरह इस धर्म परिवर्तन की जिहड़ी मुहिम छिड़ी हुई है, खास तौर दे उत्ते उत्तरी भारत दे विच इहनूं रोकिया जा सके। हुण गल ओमिक्रोन की करदे हां। ओमिक्रोन केसां दा इलाज सिर्फ निर्धारित कोविड हस्पतालां दे विच ही होना चाहीदा है, केंद्र ने सूबियां नूं चिट्ठियां लिख के कह दिता है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने सूबे ते केंद्र शासित प्रदेशां नूं बुधवार नूं चिट्ठी लिखी है, जिस विच कहा गया कि वायरस दे नवे स्वरूप नाल पीड़ित मरीजां दा इलाज सिर्फ ते सिर्फ निर्धारित कोविड हस्पतालां दे एकांतवास वार्ड दे विच ही कीता जावे। केंद्रीय सेहत सकत्तर राजेश भूषण ने चिट्ठी विच कहा कि यह भी यकीनी बनाया जावे कि इन्हां हस्पतालां विच सेहत मुलाजम बचाव दे लोड़ींदे तरीके अपनाउण, तां जो मरीज तों होरनां लोकां नूं लाग फैलण दा खतरा ना होवे। उन्होंने सूबियां नूं इह वी यकीनी बनाउण दा सुझाव दित्ता है कि पीड़ित कौमांतरी यात्रियां ते उन्हां दे संपर्क विच आउण वाले लोकां दे नमूने जी ਨੋਮ ਸੀਕੁਐਂਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤੇ 2 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੈਪਿਡ PCR ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਚੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਯਾਤਰੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਸਵੇਰੇ 9:25 ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਰੈਪਿਡ PCR ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ PRTC ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੰਘਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੈਰ PRTC ਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ
सूबे दे विच बसा बंद रखिया गई। पीआरटीसी दे पटियाला बुढलाडा बरनाला बठिंडा ते संगरूर सने सारे डिपुआं दे बाहर मुड़ पंजाब सरकार खिलाफ धरना ला के नारेबाजी की गई। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दी रिहायश का घिराओ भी किया गया। इन्होंने ऐलान कर दिता है कि मंगा मनन तक धरना जारी रखा जाएगा। पर हैरानी की गल है कि सरकार इन्हां दीआं मंगां वल कोई भी ध्यान है जिहड़ा उह नहीं दे रही। कोई भी सुनेहा चजदा उह सरकार वल्लों नहीं आया खबर पड़े जाण तक। उधर पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने श्री अकाल तख्त साहिब दे कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नाल मुलाकात करके एक बड़ी अहम अपील की है। खास तौर पर मीडिया अदारियां नूं राहत देने वाली अपील कही जा सकती है। उन्होंने कहा कि SGPC नूं तुरंत सारे टीवी अते रेडियो चैनलों नूं सचखंड श्री दरबार साहब तो गुरबाणी कीर्तन दे सिद्धा प्रसारण करन दे अधिकार देन दे लई जथेदार साहिब निर्देश देन। तख्त श्री दमदमा साहिब विखे जथेदार साहिब नूं निजी तौर ते मिलके मुख्यमंत्री ने चिट्ठी सौंपी ते कहा कि जिस तरह सिख संगतां वंड तो बाद पाकिस्तान विच रह गए पवित्र अस्थानां दे खुले दर्शन दीदार लई लंबे समय तो तरसदियां आ रही ने, उस तरह संगतां जिहड़ियां सचखंड श्री दरबार साहिब तो 24 घंटे गुरबाणी कीर्तन दे खुले प्रसारण दी डूंगी इच्छा भी उन्होंने पाली हुई है। CM चन्नी ने जथेदार नूं इह वी भरोसा दवाया कि पंजाब सरकार इस खातर लोड़ींदे बुनियादी ढांचे का सारा खर्चा चुकने लई तैयार है। चन्नी ने कहा कि श्रोमणी कमेटी ने अधूरे फंडां दे बदले एक परिवार की मलकीयत वाले एक विशेष पंजाबी चैनल नूं खास अधिकार दिते ने, जो कि पूरी तरह दे नाल सारे मीडिया अदारियां दे नाल बेइंसाफी है। चन्नी ने यह भी कहा कि SGPC दे इस इको एक फैसले दे नाल गुरबाणी कीर्तन नूं दूर दूर तक हर घर विच पहुंचाउण दे राह दे विच रोड़ा जिहड़ा उह अटका दिता है। CM चन्नी ने जथेदार ने भी दसिया चिट्ठी विच कि श्रोमणी अकाली दल ने भी 1996 ते 2004 दीआं श्रोमणी कमेटी चोणां दे अपने चोण मनोरथ पत्र विच सिख संगतां दे नाल वादा कीता सी कि श्रोमणी कमेटी सचखंड श्री दरबार साहिब तो गुरबाणी कीर्तन दे 24 घंटे लाइव प्रसारण दे लई अपना चैनल बनाएगी ते फिर उसकी जिहड़ी स्ट्रीमिंग है उह ओपन होएगी किसी भी मीडिया अदारे दे वरतन दे लई। उन्हां जथेदार नूं अपील की कि इस गंभीर ते अहम मसले ते SGPC नूं छेती तों छेती दो निर्देश जारी करन। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कांग्रेस नूं झटका दिता है। उन्होंने कांग्रेस सरकार दे वल्लों दरबार साहिब नूं जांदे विरासती मार्ग ते चल रहे इश्तहारां ते सख्त इतराज़ प्रगट किया। उन्होंने पंजाब सरकार नूं इस रूट ते इश्तहारबाजी बंद करके संगत लई केवल कीर्तन चलाउण दी अपील की है। उन्होंने यह इतराज़ प्रधान बनने तों बाद मैंबरां दे नाल कीती पहली मीटिंग दे विच उठाया है। दरअसल जिहड़ी नवीं कार्यकारिणी बनी है उसकी पहली मीटिंग है जिहड़ी उह 8 दसंबर नूं हुई है। हालांकि पहली मीटिंग 10 दसंबर नूं होनी सी, पर यह अचानक जिहड़ी मीटिंग बुलाई गई। इस ते SGPC मैंबर फतेहगढ़ साहिब तो गुरप्रीत सिंह रंधावा जिहड़े कि हुण कार्यकारिणी दे मैंबर भी ने, उन्होंने भी इतराज़ प्रगट किया सी कि 10 वाली मीटिंग है जिहड़ी उह 8 नूं क्यों बुलाई गई है ते मीटिंग दा एजेंडा भी क्यों नहीं दस्या जा रहा। धामी ने इतराज़ जताउंदिआं कहा कि अकाली सरकार पहलां विरासती मार्ग ते स्क्रीन ते कीर्तन लाया करदी सी, पर हुण उस स्क्रीन ते सिर्फ पंजाब सरकार दे इश्तहार ही चल रहे ने। इस इश्तहार दे नाल लोकां दी आस्था नूं भी ठेस पहुंचदी है। सो SGPC ने जिहड़ी कार्यकारिणी ने पहली बैठक बुलाई है तां की उन्होंने सिर्फ इसे मंग दे लई ये बैठक तां नहीं बुलाई हैगी, इह असीं पक्के तौर ते तां कह नहीं सकदे, पर होर वेरवे लैके असीं तुहानूं सवेर दे बुलेटिन विच दसांगे। पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, जिन्हां नूं पंजाब दी सियासत दे बाबा बोर्ड मन्निया जांदा है, उह 94 सालां दे हो गए ने। मुबारकबाद देण लई नेड़ले ज़िलिआं तों अकाली लीडर पिंड बादल स्थित उन्हां दी रिहायश ते पहुंचे। परिवार ने कोई खास जश्न मनाउण दी योजना तां नहीं बनाई, पर बादल नूं वधाइयां जिहड़ियां पूरा दिन मिलदियां रहियां। इस दौरान भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनावां ट्वीट राहीं भेजियां अते मोदी ने लंबी जिंदगी लई अरदास भी कीती कि प्रकाश सिंह बादल दी लंबी ते सेहतमंद जिंदगी दी मैं प्रार्थना करदा हां। मोदी ने यह भी कहा कि प्रकाश सिंह बादल पंजाब की तरक्की, खास करके समाज के कमजोर वर्गों की तरक्की लई उन्होंने बहुत मेहनत की है। उधर श्रोमणी अकाली दल के प्रधान अते प्रकाश सिंह बादल के पुत्र सुखबीर सिंह बादल ने भी अपने पिता के जन्मदिन मौके उन्होंने खूब तारीफ की है। सुखबीर बादल ने अपने पिता अते पंजाब के साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल दीआं कुछ तस्वीरां सांझीआं कीतीआं ने। अते कैप्शन दे विच लिखिया है कि 90वें दे विच भी उन्हां दा नौजवानां वर्गा उत्साह ते ऊर्जा देख के मैं हैरान हो जाना। उन्हां दी सियाणप ते तजर्बा दोवें बेमिसाल ने। मैनूं उन्हां विच सारा पंजाब नज़र आउंदा है अते उह साडे सारिआं विच पंजाब नूं देखदे ने। उह सिर्फ मेरे नहीं, उह सारे पंजाब ते सारे पंजाबीआं दे हन, प्रकाश पंजाब दा। पछमी बंगाल दी मुख्यमंत्री अते TMC सुप्रीमो ममता बैनर्जी ने पंजाब दे विच भी चोणां लड़न दा ऐलान कर दिता है। गोवा ते त्रिपुरा तों बाद हुण तृणमूल कांग्रेस ने पंजाब दे विच भी कांग्रेस दी मुसीबत वधा दित्ती।
ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਗਰਮਾਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 87 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਟੀਐਮਸੀ 20 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਪੀਐਸ ਟੈਟ 2011 ਮੈਰਿਟ ਹੋਲਡਰ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਘਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਗੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੱਢੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 872 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ 4,361 ਟੈਬਲੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਟੈਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ 5 ਟੈਬਲੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਸ ਨੇ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਪਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। BSF ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਹ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਨੂੰ 3 ਹੋਰ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ 3 ਹੋਰ ਵਰੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਵਾਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ 155,75,000 ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇ 2,95,00,000 ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਲੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2,95,00,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਭਾ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਸੜਕ ਤੇ ਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 7 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। SUV ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 11 ਜਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਭਾ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 7 ਸਾਲਾ ਅਭਿਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੂੰਡ ਖੇਰਾ, ਸੋਮਾ ਸਿੰਘ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। 9 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਭਿਜੋਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੋਨਾ ਕੌਰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਫਰ ਕੀਤੀ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਮੂੰਡ ਖੇਰਾ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਸਣੇ 4 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ CDS ਵਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ।